नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा डॉट कॉम। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे आज बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारी हैं वो सड़क पे उतरे हुए हैं, रोड पे उतरे हैं, नारेबाजी की जा रही है और आज जो है जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। दरअसल पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर के अनुबंधित कर्मचारी हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी जो मांगे हैं, और आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है जिला उपायुक्त को, क्योंकि अनुबंधित कर्मचारी हैं जो अलग अलग बिजली निगमों में कार्यरत हैं। इनका ये कहना है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो पूर्ण रूप से खत्म की जाए, और इसके साथ साथ जो आज सुबह ही इन्होंने पहले धरना दिया, नारेबाजी की। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या बड़ी मांगे आप? मांगे क्या है? मांगे ऐसा जी, एक कौशल रोजगार निगम के अंदर जो साथी को अभी तक नहीं किया जा रहा जी, शामिल नहीं किया जा रहा, उसके बारे में कुछ मांगे ऐसी हैं जो पहले सरकार ने मांग ली है जी, उसके बावजूद अभी तक उनको लागू नहीं किया गया जी। तो इन मांगों को लेकर आज डीसी साहब को हमने ज्ञापन सौंपना है जी, सभी जिलों के अंदर सौंपेंगे ज्ञापन। तो ये हमारे अनुबंधित जो कर्मचारी साथी हैं ये सारे हर जिले के अंदर ये आज प्रदर्शन करके और ज्ञापन सौंपेंगे। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि आज लघु सचिवालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी ओर से, और बिजली निगम के अनुबंधित कर्मचारी हैं जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनकी मांग ये है कि जो ठेकेदारी प्रथा है वो पूर्ण रूप से बंद की जाए, जो कर्मचारी हैं वो जो कार्यरत हैं उनको नियमित किया जाए, और तमाम जो मांगे हैं उनकी, जिनको लेकर के आज पूरे प्रदेश भर में जो कर्मचारी हैं वो ज्ञापन सौंप रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ हरियाणा की सिरसा की, जहाँ पे आज कर्मचारी हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और ज्ञापन भी जो है आज सौंपा जा रहा है। बिजली अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ है हरियाणा की ओर से, आज प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन है वो चल रहा है, और उनसे हम बातचीत करने का भी प्रयास करेंगे कि क्या कुछ इनकी मांगे हैं। सर क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर प्रदर्शन किया? नमस्कार जी, आज हमारी जो सरकार ने कौशल रोजगार निगम चालू किया है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां छोड़ रखी है, जैसे ALM SA लाइन मैन सबकी पोस्ट अभी तक उन्होंने मर्ज नहीं की है, और दूसरा उन्होंने जो 58 साल का है ESI है, EPF है, वो अभी तक बहुत सारी चीज़ें लटक रही हैं बीच में। तो उनके मद्देनज़र रखते हुए सरकार से हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनको पूरा करवाया जाए, जिसके लिए सभी साथियों का जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको जो परेशानियां आ रही हैं पारिवारिक तौर पे, जो सैलरी है उनकी वो बहुत ही एक नाममात्र सैलरी है। कोरोना टाइम के अंदर भी जैसे हर एक साथी ने बड़े ही निष्ठावान से बिजली जो काम है उसका बड़े निष्ठावान से काम को किया जी उसका, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको उनका मेहनताना है वो सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो वो उसके तो इसीलिए आज DC साहब के माध्यम से हम उनको बताना चाहते हैं कि इनको कितने कष्ट आ रहे हैं नौकरी करते हुए, घर पालन पोषण करते हुए कितनी प्रकार की इनके दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। तो वो ऐसा करके 9 मांगों का जो मुख्य आज मांग पत्र है वो हम DC साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं जी। धन्यवाद, थैंक यू। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम इन कर्मचारियों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।